नमस्ते। चाहे हम भले ही फंडामेंटल या तकनीकी के जरिए किसी स्टॉक का विश्लेषण करें, हमारे लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि उस विश्लेषण का ट्रेड कैसे किया जाए, कौन सी ट्रेड रणनीति अपनाई जाए जो हमारे जोखिम को कम करेगी और हमारे लाभ को अधिकतम करेगी, और इसलिए एक अच्छा जोखिम है जो अच्छा इनाम अनुपात प्राप्त करेगा। कोई भी रणनीति एक पूर्व निर्धारित तार्किक योजना है जिसमें स्थिति चयन और एक अनुवर्ती कार्यवाही शामिल है। स्प्रेड स्ट्रेटजी सबसे आसान विकल्प रणनीतियों में से एक है जो एक व्यापारी लागू कर सकता है। जब आप किसी स्टॉक या अंतर्निहित परिसंपत्ति पर मामूली मंदी करते हैं तो एक बेयर स्प्रेड के लिए जा सकते हैं। एक बेयर स्प्रेड को कॉल और पुट दोनों के द्वारा शुरू किया जा सकता है। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे हम कॉल का उपयोग करके एक बेयर स्प्रेड शुरू कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि स्प्रेड स्ट्रेटजी में एक ही श्रेणी के लेकिन अलग अलग स्ट्राइक मूल्य के विकल्प खरीदना और बेचना शामिल है। बेयर कॉल स्प्रेड में शामिल हैं कॉल को कम स्ट्राइक प्राइस पर यानी इन द मनी ऑप्शन पर या मनी ऑप्शन पर बेचना, तथा ज्यादा स्ट्राइक प्राइस यानी मनी ऑप्शन में कॉल खरीदना। बेयर कॉल स्प्रेड को एक शुद्ध क्रेडिट या प्राप्त प्रीमियम की शुद्धि राशि और एक घटते शेयर मूल्य या समय बीतने से मिलने वाले लाभ के लिए स्थापित किया गया है। आइए इसे एक उदाहरण की मदद से बेहतर समझते हैं। स्ट्राइक प्राइस 10,350 की एक कॉल पर बेचें, 111 का प्रीमियम प्राप्त करें और 64 के प्रीमियम का भुगतान करके 10,450 की स्ट्राइक पर कॉल करें। निफ्टी स्पॉट प्राइस वर्तमान में 10,360 पर ट्रेडिंग कर रहा है। यहीं अधिकतम हानि यानी स्प्रेड घटा अधिकतम लाभ जो 53 के बराबर है। अधिकतम लाभ यानी शुद्ध प्रीमियम प्रवाह यानी 47 लाभ घटा अलाभ स्थिति यानी उच्च स्ट्राइक घटा अधिकतम नुकसान जो 10,397 के बराबर है। जैसा कि नुकसान और लाभ के ऊपर के उदाहरण से देखा जा सकता है, दोनों सीमित हैं। इस रणनीति से अधिकतम नुकसान 53 और अधिकतम लाभ 47 है। यदि अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत बढ़ जाती है यानी जो वह अटकलें लगाता रहा है, तो उल्टा होने पर ट्रेडर को नुकसान उठाना पड़ेगा। निष्कर्ष, हम यह कह सकते हैं कि बेयर कॉल स्प्रेड एक बढ़िया विकल्प है। बस ट्रेडर तभी पुट को खरीदे जब ट्रेडर अंतर्निहित स्टॉक में मूल्य कार्यवाही पर मंदी के लिए तटस्थ है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Such representations are not indicative of future results.